अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर लंच और मैं हूं जुनैद इकबाल। कराची स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त तकरीबन 98 पॉइंट्स की कमी है। दैट्स द केसी 100 इंडेक्स। फौजी सीमेंट वॉल्यूम के हिसाब से सर फहरिस्त है, अब तक 14 मिलियन शेयर्स का कारोबार इसमें हो चुका है। दूसरे नंबर पर डीजी खान सीमेंट, सीमेंट्स आर लीडिंग द पैक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। उसके अलावा मिक्स ट्रेंड है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर्स दैट आर लीडिंग। नेशनल बैंक में 2.95 रुपए की कमी है, इसके साथ ये ट्रेड कर रहा है फिलहाल 231.95 रुपए पर। निशात मिल्स तकरीबन 1.25 रुपए का इजाफा शो कर रहा है। साथ साथ पिकिक काफी दिनों के बाद वॉल्यूम के हिसाब से काफी नुमाया 5 मिलियन शेयर्स का कारोबार हो चुका है इसमें, एंड वी हैव सीन इंक्रीज ऑफ 45 पैसेस। एमसीबी जिसकी अर्निंग्स और जीडीआर के हवाले से काफी दिनों से मार्केट में पेशरफ्त जारी है, एंड पीपल एक्सपेक्टिंग कि अब इसमें जल्द कोई मुस्बत खबर सामने आएगी। आज इसमें कुछ प्रेशर है। कॉल में टेलिप्स का इस वक्त जो फ्यूचर है दैट इज स्टिल एट स्टेक। अब तक मीटिंग्स जारी हैं और कोई हतमी फैसला नहीं हो सका अब तक कि क्या उनकी अर्निंग्स अनाउंसमेंट होती है। ऑब्वियसली ऑडिटर्स ने पिछले साल भी एक नोट निकाला था इन विच दे हैड सेड के इनकी अर्निंग्स व्हाट दे रिपोर्ट, दे शुड ओनली रिपोर्ट देयर रियलाइज्ड अर्निंग्स, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत मैच्ड अर्निंग्स होती हैं, एज इन के उतनी अर्निंग्स क्लेम करें जितनी एक्चुअली जितने के वर्थ यूनिट्स इस्तेमाल हो चुके हैं एंड व्हाट दे हैव आल्सो एक्सपेंस। आज 3.8% की कमी अब 51.65 रुपए पर आ चुका है कॉल में टेलिप्स। पिछले कुछ अरसे में देखें तो वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। अगर इसकी 9 रुपए भी अर्निंग्स आती है सो देन मे बी वी कैन सी के इस पर मुस्बत असर आ सकता है। मार्केट की तवक्कुआत यह है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जस्ट रेगुलर मैचिंग प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए इनकी 7 रुपए के करीब अर्निंग मुतवक्के है, अगर अनरियलाइज्ड अर्निंग को भी शामिल कर लें दिस कैन एक्सीड 11। लेकिन अब तक कोई खास खबर इस हवाले से नहीं आई है, जो ही इस पर हमें कुछ अपडेट्स मिलेंगी हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। कल मार्केट में काफी तेजी का रुझान देखा गया, ऑब्वियसली नए कवानीन आए सीएफएस के हवाले से जिनमें ना सिर्फ लिमिट को बढ़ाया गया है बल्कि साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स को भी कुछ बेहतरी की तरफ ले जाया जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए कल द केसी 100 परफॉर्म्ड रियली वेल। पिछले 7 दिनों में हमने ओवरऑल एक राइजिंग ट्रेंड देखा है 0.6% का, जिसके साथ 61.95 पॉइंट्स ऊपर है, 10,000 के लेवल से ऊपर केसी 100 इंडेक्स फिलहाल ट्रेड कर रही है। एंड ऑब्वियसली पिछले दिनों में हमने कई दफा वी हैव सीन इट डिप बिलो एंड गॉन इवन क्लोज टू द 9,800 लेवल। ऑटो सेक्टर के कुछ नंबर्स हमारे पास ऑब्वियसली हाल ही में रिलीज हुए हैं। 13% की ग्रोथ है इन सेल्स फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स, जिसमें पार्क सुजुकी में तकरीबन 21% की ग्रोथ है। यह सबसे हैंडसम ग्रोथ शो की है इंडस मोटर्स ने। ऑब्वियसली इंडस मोटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं टोयोटा और कोरे, इसके अलावा हाइलक्स भी इनका प्रोडक्ट है। इनकी सेल्स में तकरीबन 54% का इजाफा देखने में नजर आया है। होंडा एटलस में एक्चुअल डिक्लाइन नजर आया 41% का इन द फर्स्ट 2 मंथ्स। इसकी एक अहम वजह यह भी है कि इनका प्लांट शटडाउन था पहले तकरीबन 20 दिन के लिए इन द प्रीवियस मंथ। इसके साथ साथ सिविक की सेल्स, न्यू सिविक हैज बीन अनाउंस्ड, इसकी सेल्स उस क्वांटम से पिकअप नहीं की जिस तरह यूजुअली होंडा ग्रुप की कंपनीज होंडा की तरफ से जो गाड़ियां आती हैं उन पर रिस्पॉन्स आता है। लास्ट लेटेस्ट रिलीज जो थी वो सिटी का नया मॉडल था एंड इन दैट वी सॉ अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट। नई सिविक जो है ऑब्वियसली उसके सीसी इज मच हायर एंड द प्राइस इज मच हायर, एंड एज अ रिजल्ट वी हैव सीन के होंडा में हमने थोड़ा सा पैसे देखे, जबकि इंडस में आज काफी हम मुस्बत रुझान देख रहे हैं एंड वी हैव सीन इट गो अप अबाउट 4.75 रुपए, 217 रुपए पर ट्रेड करा है। हम चलते हैं हमने केसी कॉरेस्पॉन्डेंट ताहा सिद्दीकी की तरफ, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। अस्सलाम वालेकुम ताहा। जी वालेकुम सलाम। ताहा, इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर्स दैट आर लीडिंग इन वॉल्यूम्स, उसमें काफी मिक्स ट्रेंड नजर आ रहा है। कुछ सीमेंट्स हैं, कुछ बैंक्स हैं, रैंडम टेक्सटाइल कंपनीज अप देयर, एक मिक्स सेंटिमेंट है मार्केट में, व्हाट्स द फील? देखें जुनेद, कल मार्केट में जो एक बुल रैली नज़र आई थी वो बेसिकली एक रिकवरी मार्केट ने ली थी, जो कि पिछले दिनों काफ़ी एक डिप्रेस्ड वॉल्यूम नज़र आ रहे थे और डिप्रेस्ड मार्केट भी मोमेंटम था। तो उसके बाद काफ़ी लोगों की और इन्वेस्टर्स की यहाँ पे ये कहना था कि एक बेसिकली 200-300 पॉइंट की जो रिकवरी नज़र आएगी उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट की जा रही थी, और उसी हवाले से हमने आज मार्केट में एक प्रेशर देखा। साथ में ऑयल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर आज प्रेशर में इसलिए एक अगर हम देखें नज़र आ रहा है, उसकी खास वजह ये बताई जा रही है कि ऑयल सेक्टर की इंटरनेशनली जो प्राइसेस हैं उसमें डिप्रेशन की वजह से यहाँ पे ऑयल सेक्टर पे काफ़ी इंपैक्ट आ रहा है। साथ में बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो एक रिसेंटली हमने एक बुल रैली देखी थी और एक बूम सा आया हुआ था, उसके बाद उसमें एक प्रॉफिट टेकिंग भी बुक की जा रही है। लेकिन उसके अलावा जो सीमेंट सेक्टर है
वो काफ़ी आज हाईलाइटेड नज़र आ रहा है और इसकी खास वजह यही है कि उसकी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छे हैं। साथ में मार्केट में कुछ सेंटिमेंट्स पीटीसी के हवाले से काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि उसका रिज़ल्ट जो आज एक्सपेक्टेड है तो उसमें काफ़ी एक नेगेटिव व्यू मार्केट ने लिया हुआ है और जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है वो इसका वो डाउनवर्ड साइड पे एक्सपेक्टेड है और उसकी वजह से हम थोड़ा बहुत इंडेक्स पे भी प्रेशर देख रहे हैं। व्हाट अबाउट अब जो पॉलिटिकल एक स्टॉर्म था जो कि पिछले काफ़ी अरसे से मार्केट को प्रेशर में रखा हुआ था जिसने व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट दैट, ईरान की तरफ से भी कुछ थिंग्स सीम टू बी सेटलिंग डाउन अ बिट विद इन द कंट्री, जो पॉलिटिकल स्टॉर्म है वो थोड़ा सा डाई आउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो पीपल फीलिंग मोर दे फील दैट द मार्केट कैन बी मोर एग्जुबेंट इन द फ्यूचर? देखिए इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और जैसे आपको पता है कि इलेक्शंस अपकमिंग इलेक्शंस 2007 के हवाले से भी काफ़ी लोगों का यहाँ पे खदशात हैं कि कुछ पॉलिसी चेंजेस आते हैं, रिजीम चेंज आता है तो उसकी वजह से कुछ फंडामेंटली चेंजेस होती हैं। बट एट द सेम टाइम इसी वजह से अगर हम देखें तो मार्केट के हवाले से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ये कहना है कि ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म पोजीशंस प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म पोजीशंस, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा मार्केट में नज़र नहीं आ रही है और उसका इम्पैक्ट जो रिसेंटली पड़ा था वो एक डाई डाउन हो गया है, बट एट द सेम टाइम एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मार्केट में अभी भी नज़र नहीं आ रहा है और उसकी वजह से लोगों ने लॉन्ग टर्म पोजीशंस के बजाय शॉर्ट टर्म पोजीशंस प्रेफर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ताहा सिद्दीकी, आर कॉरेस्पॉन्डेंट एट द केएससी। अभी भी जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा रिस्टोर हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में रादर जो मीडियम टर्म है जिसमें पॉलिटिकल चेंजेस के की तवक्कुआत हैं उसको मद्देनजर रखते हुए लोग अभी भी लॉन्ग टर्म पोजीशंस में एंटर नहीं करे, दैट्स द फील दैट ताहा इज गेटिंग फ्रॉम द मार्केट। इसके साथ साथ पीटीसीएल की आज ऑब्वियसली अनाउंसमेंट होगी, उस हवाले से पीपल आर नॉट वेरी बुलिश, लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं। एक और ऑब्वियसली मार्केट में अब हम एज वी स्पीक पिछले 10 मिनट में थोड़ी सी रिकवरी आई है, मार्केट वॉज डाउन अबाउट 100 पॉइंट्स, अब इसमें 79 पॉइंट्स की कमी है 10,077 के लेवल पर फिलहाल केएससी 100 इंडेक्स को हम ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। वंस अगेन रिकैप करते चले, फौजी सीमेंट इज टॉपिंग द पैक टुडे और इसमें तकरीबन 15 मिलियन शेयर्स का कारोबार हो चुका है और फिलहाल ये 21.90 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, सो वी सीन अ बाउंस बैक फ्रॉम द लास्ट कपल मंथ्स। 97.80 पर डीजी खान सीमेंट, नेशनल बैंक पे प्रेशर है 2.90 रुपए का, विच कम्स टू अ डिक्लाइन ऑफ 1.2%। इसके अलावा निशात मिल्स आज वॉल्यूम के हिसाब से नुमाया है, 1.95 रुपए का इसमें इजाफा है, साथ साथ 5.5 मिलियन शेयर का कारोबार, पिकिक में 0.7% का इजाफा और MCB इज डाउन ट्रेडिंग एट 227.90। फिलहाल मार्केट में वॉल्यूम इस वक्त 123 मिलियन का हो चुका है, मार्केट बंद होने में तकरीबन एक घंटा बाकी है, सो तकरीबन सवा घंटा लेट्स से, सो लेट्स सी इफ द वॉल्यूम्स कम इवन क्लोज टू व्हाट दे वर यस्टरडे जिसमें हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी थी। ऑटो सेक्टर की तरफ दोबारा चलते हैं, लेट्स शो यू सम चार्ट्स ऑन हाउ द सेक्टर हैज बीन बिहेविंग इन द पास्ट कपल ऑफ डेज। जैसे हमने आपको बताया कि फिलहाल जो हाल ही में रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, नंबर्स आए हैं सेल्स के, 13% की ग्रोथ है ओवरऑल सेल्स में फॉर द ऑटो सेक्टर फॉर द फर्स्ट टू मंथ्स ऑफ द फिस्कल ईयर। आज दीवान फारूक में इस वक्त फ्लैट मूवमेंट है, इंडस मोटर्स अप 2.2%, जबकि पार्क सुजुकी में 2.8% का इजाफा है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं परवेज गयास साहब, सीईओ ऑफ इंडस मोटर्स। परवेज साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम जुनैद, क्या हाल है? मैं आई एम ऑलराइट, आई होप यू आर डूइंग वेल। हाल ही में जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं इंडस मोटर्स के, सबसे पहले उनकी तरफ आ जाते हैं, वेरी इंप्रेसिव रिजल्ट्स, मोर देन 70% ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तकरीबन 30% की ग्रोथ इन सेल्स भी आई है, व्हाट इज वर्किंग फॉर इंडस मोटर्स राइट नाउ? माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के लिए रिजल्ट्स अच्छे आए हैं ऑटो इंडस्ट्री में और इंडस खासतौर पर हमारे लिए, तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन, रिकॉर्ड सेल्स, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स जिस तरह आप कह रहे हैं, तो ओवरऑल इंडस्ट्री इज डूइंग वेल बिकॉज काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है इंडस्ट्री में बिकॉज डिलीशन प्रोग्राम ख़त्म होकर अब TBS आ गया है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जरा कंसिस्टेंसी आई है। इसके अलावा ये जो ऑटो फाइनेंसिंग अच्छी खासी रही है पूरे साल भर, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स पे का थोड़े से चूँकि बड़े हैं उसका थोड़ा सा असर ज़रूर आया है, लेकिन इतना उसका मसला नहीं रहा है। सो ओवरऑल आई थिंक पॉलिसीज वगैरह में चूंकि कंसिस्टेंसी आई, उसके अलावा जुलाई से तो ये भी गवर्नमेंट ने किया कि जो 5 साल की रिस्ट्रिक्शंस थी यूज कार्स के ऊपर वो भी हटा दी, तो ओवरऑल ऑल इन ऑल आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग फाइन।
So primarily अब जो most important चीज़ है जो अब changed scenario है, that is the tariff based system. अब इस नए system में आप